अगर आपने जो भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, मान लीजिए एक सप्ताह में आपने अगर पांच में भी किया और आपको $100 हुआ, तो $500 पर वीक आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत सोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल एवीएस टेक अनंत सोनी में। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलवेज मनी मेकिंग टिप्स बताई है, अब मनी मेकिंग में ब्लॉगिंग बताता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग बताता हूँ, ड्रॉप शिपिंग बताता हूँ और इसी टाइप के रिसोर्सेज बताता हूँ जिससे आप एक अर्निंग कर सके। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपलेस्ट वे भी बताता हूँ, जैसे कि कभी कभी मैं किसी ऐप के बारे में आपको बताता हूँ या किसी साइट के बारे में आपको बताता हूँ कि आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे सिंपल सा आपको नेम टाइप करना है। यहाँ पे आप एक चीज समझ के रखिए कि कोई आपको लेंदी काम नहीं करना है, सिर्फ क्रिएटिव काम करना है। लेंदी और क्रिएटिव में अंतर होता है। डेटा एंट्री जो है वो लेंदी वर्क है, लेकिन एक क्रिएटिव वर्क है कि किसी ने लोगो बोला या लोगों की टैगलाइन बोला या उनके बिजनेस के लिए आपको नेम सजेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आज आपको एक साइट बताता हूँ, वेबसाइट का नाम है स्क्वाड हेल्प। अभी मैंने आपको नाम बताया है तो आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप सीधे सीधे जाके स्क्वाड हेल्प पे पहुंच जाएं या फिर जो मैंने आपको लिंक दी हुई है आप उस पे क्लिक करके इसको चेक करने के लिए पहुंच जाएं। क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं कि यहाँ पे आपको करना क्या है, कैसे आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, कम से कम $500 आप यहाँ पे आसानी से कमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक घंटा देके। मतलब मैं आपको सिर्फ एक घंटा बोल रहा हूँ क्योंकि एक घंटा इनफ होता है यहाँ पे काम करने के लिए। क्योंकि यहाँ जो काम है वो क्रिएटिविटी का है। यहाँ पे आपको कुछ टाइप करके नहीं देना है कि आपने बड़ा सा मैटर टाइप करके दे दिया और यहाँ पे काम हो गया। अब यहाँ पे काम होता कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। स्क्वाड हेल्प एक ऐसी कंपनी है जो कि लोगों के लिए ब्रांड सजेस्ट करती है, नेम सजेस्ट करती है, लोगो सजेस्ट करती है और डोमेन सजेस्ट करती है। इसी टाइप की चीजें ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ यहाँ पे नेम सजेस्ट किए गए हैं। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम नेम जो कि सेल के लिए हैं। आप यहाँ पे techmave.com देखेंगे, इसी टाइप से यहाँ पे कुछ नेम ये जो हैं ये सेल के लिए हैं। और इसी टाइप से यहाँ पे इन्होंने बताया है कि why स्क्वाड हेल्प। स्क्वाड हेल्प दुनिया की लार्जेस्ट नेमिंग कम्युनिटी है कि यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे नेम मिल जाएंगे। अगर आप बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको कुछ ऐसी जगह पे सर्च करना होगा कि क्या क्या चीजें मार्केट में है, क्योंकि इनकी एक टीम है जो ये सारी चीजें रिसर्च करती है और उस टीम में आपको भी ज्वाइन होना है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा साइट के बारे में यहाँ पे बता दिया करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर वन नेमिंग प्लेटफॉर्म है, ये वर्ल्ड नंबर वन नेमिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अच्छे अच्छे नेम्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे नेम्स हैं ये मोस्टली नेम्स इसी कंपनी ने सजेस्ट किए थे। अब यहाँ पे इनकी सर्विसेज क्या है, नेम्स हैं, साथ में टैगलाइन और स्लोगन और लोगो डिजाइनिंग, ये इनकी तीन प्राइमरी सर्विसेज हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको एक्चुअली में यहाँ पे काम करना क्या है। यहाँ पे मैं आपको और भी चीजें यहाँ पे दिखा दिया करता हूँ कि नेम आइडियाज जो हैं, ऑल नेम एग्जांपल्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, नेम्स बाय कैटेगरी की आपको किस कैटेगरी के लिए आपको नेम चाहिए है वो आप यहाँ पे सजेशन देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे बिजनेस नेम जनरेटर टूल भी इन्होंने दिया है, ये फ्री है, आप यहाँ से बिजनेस नेम जनरेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको मेन काम करना है वो करना है कॉन्टेस्ट में। यहाँ पे कॉन्टेस्ट चालू रहा करते हैं कि किसी के लिए एक नेम चाहिए, मान लीजिए सोशल मीडिया के लिए नेम चाहिए है या नए बिजनेस के लिए नेम चाहिए है, तो वो आपको यहाँ पे करके देना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दिया करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्टिव कॉन्टेस्ट, तो मैं यहाँ पे एक्टिव कॉन्टेस्ट थोड़े से ओपन करके आपको दिखा दिया करता हूँ कि किस टाइप के एक्टिव कॉन्टेस्ट यहाँ पे रहा करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 195 कॉन्टेस्ट अभी ओपन है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट कॉन्टेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ब्रांड नेम फॉर अ क्लोथिंग और फैशन ब्रांड। यहाँ पे इनका कोई भी एक क्लोथिंग या फैशन से रिलेटेड कोई भी एक इनको ब्रांड नेम चाहिए है। आपको सिंपल सा करना क्या है कि एक आपके जो मन में आ रहा है अच्छे से अच्छा, और आपको उसको रिसर्च करना है आपको, क्योंकि जब भी आप कोई सजेस्ट करते हैं तो आपके लिए ये भी पूछा जाता है कि इस ब्रांड में इस नेम का मतलब क्या है या इसमें स्पेशल क्या है, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। सेकेंड चीज है यहाँ पे नीड अ लोगो फॉर रूम ब्लूम रेसिडेंशियल क्लीनिंग एंड लैंडस्केपिंग बिजनेस। तो जो क्लीनिंग और लैंडस्केपिंग बिजनेस है उसके लिए इनको एक लोगो चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांड नेम के लिए 189 एंट्रीज गई हैं, इसके लिए 19 एंट्रीज गई हैं। अब यहाँ पे जिसका भी यहाँ पे नेम सिलेक्ट हो जाएगा, किसी
किसी ना किसी एक का नेम यहाँ पे जरूर सिलेक्ट होगा और उसको यहाँ पे $200 का प्राइज मिलेगा। साथ ही यहाँ पे अगर किसी ने लोगो यहाँ पे सेंड किया है, उसका लोगो अगर सिलेक्ट होता है तो उसको यहाँ पे $250 यहाँ पे प्राइज मिलेगा। और फिर उसके बाद इसी टाइप से आप यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के कॉन्टेस्ट यहाँ पे चालू है, आपको जो भी लगता है आप उस टाइप के कॉन्टेस्ट में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि $100 से लेके $200 तक, $200 से लेके $300 और more than $300 के भी यहाँ पे कॉन्टेस्ट है। और यहाँ पे आपको जो भी कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सारे कॉन्टेस्ट में आप कर सकते हैं। सिर्फ जो नेम सजेशन है उसके लिए शायद आपको यहाँ पे $10 वन टाइम फीस रहा करती है। तो यहाँ पे एक चीज ये आपको करना है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दिया करता हूँ विनर्स। तो यहाँ पे रिसेंट विनर मैं आपको दिखा दिया करता हूँ कि जिन लोगों ने चीजें सजेस्ट की है उनको कितना प्राइस मिला और किस चीज के लिए प्राइस मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इन्होंने Ignitive.com करके एक ये ब्रांड सजेशन इन्होंने दिया है, ब्रांड नेम फॉर अ कंसल्टिंग कंपनी। किसी कंसल्टिंग कंपनी के लिए इन्होंने ये ब्रांड नेम दिया और ये इनको पसंद आ गया। सिर्फ ये ब्रांड नेम सजेस्ट करने का इनको यहाँ पे $100 प्राइस मिल गया। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट का नेम सजेस्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे इको कॉन्शियस ब्रांड का नेम यहाँ पे सजेस्ट करने के लिए किसी ने सजेस्ट किया ग्रीन हीरो। अब ये उसको नेम पसंद आ गया तो उसको यहाँ पे $200 का प्राइज मिल गया। साथ ही यहाँ पे और भी चीजों के यहाँ पे प्राइज मिले हैं, जैसे किसी फनी सॉन्ग के टाइटल के लिए किसी ने किया है। और इसी टाइप से आप यहाँ पे बाकी चीजें भी देख सकते हैं कि किसी ने ब्रांड नेम के लिए सजेशन किया, किसी ने होटल एंड स्टूडेंट प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड नेम सजेस्ट किया। तो जो भी यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं उनको किसी को $100, $200, $300 भी यहाँ पे है कि यहाँ पे किसी बैंक के लिए इन्होंने एक नेम सजेस्ट किया। तो ये अभी डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन इसका वेटिंग है इसीलिए यहाँ पे नेम शो नहीं कर रहा है। इसी टाइप से आप यहाँ पे देखेंगे कि कैची एंड शॉर्ट ऐप नेम, मतलब किसी ने एक न्यू ऐप बनाई उसके लिए एक शॉर्ट नेम उनको चाहिए था, वो नेम यहाँ पे सजेस्ट किया और यहाँ पे उसको $100। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भी सारे प्राइजेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन के हैं। तो इसी टाइप से आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किसने कितनी अर्निंग की और टॉप विनर्स कौन कौन से रहे हैं। यहाँ पे आपको विनर्स किस चीज के लिए देखना है, मान लीजिए ब्रांडिंग आइडेंटिटी, मार्केटिंग, कॉपीराइट के लिए है या नेमिंग के लिए है या टैगलाइन के लिए है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे नेमिंग के लिए देखते हैं तो नेमिंग के लिए लोगों ने जो जो भी नेम सजेस्ट किए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे कॉन्टेस्ट जो लास्ट 7 डेज में चले या लास्ट 30 डेज में, उन सभी के विनर्स आपको यहाँ पे शो हो सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे विनर आप और भी लीडर बोर्ड पूरा चेक करते हैं कि कॉन्टेस्ट किसने वोन किया, किसी की हाई रेटिंग है या फिर राइजिंग स्टार कौन कौन से हैं। तो ये कुछ आप विनर्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए है। क्योंकि अगर आपको ये चीज लगेगा कि लोग यहाँ पे विन कर रहे हैं तो ही आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट करोगे या फिर आप भी यहाँ पे सजेशन देना स्टार्ट करोगे। आप यहाँ पे मार्केट प्लेस भी चेक कर सकते हैं कि आप खुद की लिस्टिंग डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आप डोमेन नेम सेल करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कभी भी कोई आता है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे पहले भी दिखाए थे कि जो भी नेम्स हैं या टैगलाइंस हैं, लोगोज हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल सकती है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे नेम पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको नेम दिखाई दे रहे हैं। ये नेम्स जो है ये इनके पास अवेलेबल है और जिसका यहाँ पे डोमेन भी इनके पास अवेलेबल है वो यहाँ पे डोमेन भी ये दिखाई दे रहे हैं। जैसे इस ब्रांड का इनके पास डोमेन है, ये भी एक है, इसका भी इनके पास डोमेन है, जिनके भी इनके पास डोमेन है वो डोमेन भी यहाँ पे सेल में दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये चीजें सजेशंस में है। और मान लीजिए आप एज अ क्रिएटर नहीं, आप एज अ बायर हैं, तो आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि आपको ये वाला डोमेन यहाँ से परचेज करना है तो आप ये डोमेन यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसका यहाँ पे जो भी इन्होंने प्राइस लिखा है इस डोमेन पे आप यहाँ पे परचेज भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने आपको बताया, सिंपल सा आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना है और आपको नेम सजेस्ट करना है, किसी के बिजनेस के लिए टैगलाइन चाहिए है। जितनी ज्यादा क्रिएटिव आप दे सके उतना अच्छा होगा और उतने ज्यादा आप यहाँ पे कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा खास यहाँ पे डाउट नहीं होगा। कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। मतलब यहाँ आपको कुछ भी लेंथी वर्क नहीं करना है, सिर्फ स्मार्ट एंड क्रिएटिव वर्क करना है। तो अभी आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए। बाकी आपको अगर लगता है कि इसका आपको कोई सेकेंड वीडियो चाहिए जिसमें आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो भी आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे अपना डैशबोर्ड भी यहाँ पे
पे दिखा दिया करता हूँ, तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं, आपको इस जॉब पे अप्लाई करना है, तो आपको कैसे करना है वो चीज भी मैं यहाँ पे बता दिया करता हूँ। तो यहाँ पे इनका सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखा रहेगा कि इनको क्या चीज चाहिए है, किस टाइप की चीज चाहिए है, और ये टी शर्ट ब्रांडिंग के लिए है, साथ में इनको एक .com डोमेन भी इनको चाहिए है, और टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जो चीज इनको चाहिए है। तो अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं कि आप एक डोमेन नेम इनको फाइंड करके दे सकते हैं और आप ये टी शर्ट ब्रांडिंग के लिए यहाँ पे कोई नेम सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल एटलीस्ट 70% कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दिया करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीटेड सिर्फ 50% है। जैसे ही मैं इसको मोर देन 75% कर दिया करता हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ले सकता हूँ। तो अगर आप लोग भी इसको करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, या फिर आप गूगल में भी फाइंड करके इसको सर्च कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और एक चीज मान के रखिए कि ये किसी भी ऐसी फ्रॉड टाइप की साइट नहीं है, ये एक हाई अथॉरिटी और ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपका पेमेंट का कोई टेंशन नहीं रहेगा, सारा पेमेंट आपका पेपाल या पायोनियर अकाउंट में आएगा। तो अगर आपका पेपाल का अकाउंट है तो आप यहाँ पे पेपाल का अकाउंट भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं मोस्टली कमेंट्स के जरूर रिप्लाई करता हूं, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सिंपल सा आपको 10 वर्ड या 2 वर्ड आपको लिख के देना है, थोड़ी सी रिसर्चिंग करना है, मतलब एक घंटे के काम में आप $100 कमा सकते हैं। अगर आपने जो भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, मान लीजिए एक सप्ताह में आपने अगर 5 में भी किया और आपको $100 हुआ, तो $500 पर वीक आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये चीज आप मान के चलिए कि अगर आप यहाँ पे मेहनत करेंगे, थोड़ा सा क्रिएटिविटी करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल EVS Tech and Infrasony पे पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं इसके कोई भी फ्यूचर वीडियोस या फिर अपडेटेड वीडियोस में अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। थैंक यू दोस्तों।